उत्तर प्रदेश के हरदोई में लॉकडाउन में अलविदा और जुमा की नमाज को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती। हालांकि अलविदा की पूर्व संध्या पर प्रशासन ने संभ्रांत लोगों की बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे कि मस्जिद या ईदगाह में नमाजी ना जुटे। इस बाबत सारे नियम दोबारा गिनाए और तमाम धर्म गुरुओं ने भी इसकी जिम्मेदारी निभाई और घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की थी, लेकिन प्रशासन सतर्क रहा और खाकी का पहरा सड़क पर देखने को मिला। हरदोई में जिले भर में अलविदा व जुमे की नमाज को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सतर्क रहे। जगह जगह अधिकारियों ने भ्रमण कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा। दरअसल कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है, इसमें सामाजिक दूरी को आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिले की सभी मस्जिदों में शुक्रवार की जुमे की नमाज स्थगित कर दी गई थी। फिर भी प्रशासन मुस्तैद दिखा और जुमा मस्जिदों समेत सभी सार्वजनिक स्थलों के पास निगरानी की गई। हालांकि धर्म गुरुओं ने भी इसकी जिम्मेदारी निभाई और घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की थी, लेकिन प्रशासन सतर्क रहा और खाकी का पहरा सड़क पर देखने को मिला। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। आज तो जैसे भी इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के, उस लिहाज से भाई नमाज तो घर ही में पढ़ना है और अपने फ़ायदे के लिए भी, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए, अपने भाइयों के, अपने मुल्क वालों के फ़ायदे के लिए ये सब घर ही में करना है। हम लोगों को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है तो मस्जिद में भी नहीं इकट्ठा होना है। नमाज भी घर ही में पढ़ी जा रही है और आज अलविदा की नमाज भी घर ही में अलग अलग पढ़ेंगे। ईद की नमाज भी जिस तरह से उलमाओं ने कहा है कि घर में पढ़िए, चार रकात नमाज नफिल, नमाज चार रकात नमाज नफिल अदा करी जाएगी घर में अलग अलग लोगों को, है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही रखना है, जिसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। और हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क से अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में इस महामारी को दूर करे, हमारे मुल्क के हमारे भाइयों को अच्छा रखे, उनको तंदुरुस्त रखे। हाँ, पूरे सर्किल में, बेलग्राम सहित पूरे सर्किल में सकुशल, काफ़ी अच्छा सहयोग के साथ नमाज सकुशल सभी जगह संपन्न हो गई। किसी भी प्रकार कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। जो भी शासन प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए गए थे सभी ने भली भांति उसको पालन करते हुए सकुशल अपने घरों में रह करके ही नमाज अदा किया। कहीं इस प्रकार से भीड़ भाड़ की कोई शिकायत नहीं आई। और क्या कहना चाहेंगे, जो आगे ईद की नमाज होनी है उसके लिए क्या कहना है? यही अपील आगे भी है कि सभी लोग भाईचारा के साथ एक दूसरे से अपने परिवार में दूसरे से अपना मिले। कहीं भी दहिने बाएं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बढ़ करके कोई भी ऐसा इस जगत में दूसरा और सार नहीं है, इसलिए कहीं भी रह करके अपने घर में ईद को सकुशल संपन्न कराएं, यही ये शासन प्रशासन की मंशा है। और उसी के अनुरूप जो भी इस तरीके कार्रवाई करेंगे उनके हित में अच्छा होगा। इससे हट करके कहीं भी कोई अगर कार्रवाई नजर आती है तो शासन प्रशासन उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.